लिनेवो कंप्यूटर या लैपटॉप की विंडोज के अंदर ऑडियो के ड्राइवर, ब्लूटूथ के ड्राइवर, फिंगरप्रिंट कैमरा, VGA या ग्राफिक्स के ड्राइवर्स, माउस पैड, टच पैड, कीबोर्ड, वाईफाई, इस तमाम के ड्राइवर्स और सॉफ्टवेयर या इनके अलावा जो ड्राइवर्स हमें अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर रिक्वायर होते हैं, उनको किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर, या फिर हमारे पास लैपटॉप है लिनेवो का या कंप्यूटर है उसके अंदर हमें पता नहीं है कि कौन से ड्राइवर और सॉफ्टवेयर मिसिंग है, तो हम उसको किस तरह डिटेक्ट करवा सकते हैं और किस तरह वो ड्राइवर जो है वो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर काफी लोगों को ये चीज पता नहीं होगी कि अगर हम लिनेवो की ऑफिशियल साइट से अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं तो उससे हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर पहले से फास्ट, स्टेबल और स्मूथली वर्क करना स्टार्ट कर देगा, उसकी परफॉर्मेंस पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट तरीके का बताऊंगा कि किस तरह आप लिनेवो के कंप्यूटर या लैपटॉप की विंडोज के ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं, मिसिंग ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, या ड्राइवर्स को अपडेट करना हो, रिपेयर करना हो, ये तमाम तरीकेकार मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट ए टू जेड गाइड करूंगा। स्क्रीन पर आने के बाद जो आपने फर्स्ट नंबर पे अपने पास गूगल क्रोम या जो भी ब्राउजर आप यूज करना चाहते हैं आपने उसको ओपन कर लेना है और उसकी सर्च बार पे आपने जाके सर्च करना है sport.lenovo.com/। जैसे आप ये सर्च बार पे सर्च करके इंटर करेंगे तो आपके सामने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे सामने चार ऑप्शन आ रहे हैं सिलेक्ट अ प्रोडक्ट फैमिली के, आपने किस प्रोडक्ट के लिए ये जो ड्राइवर या जो भी आपको सपोर्ट चाहिए वो किस तरह आप यहाँ से ले सकते हैं, आपकी डिवाइस कौन सी है। इस फर्स्ट नंबर पे हमारे पास पीसी आ रहा है, पीसी के अंदर लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट ये सारे नीचे बता रहे हैं कौन कौन सी चीजें आती हैं पीसी के अंदर। डाटा सेंटर है, मोबाइल है या आपकी कोई स्मार्ट डिवाइस है। तो बेसिकली हम जब भी करने आए हैं वो लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए अपने ड्राइवर ढूंढने हैं तो सिंपली हमने पीसी वाले ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पर हमारे सामने जो पेज ओपन हुआ है यहाँ पर हमें लिख के दे रहा है प्लीज एंटर द प्रोडक्ट नेम, सीरियल नंबर, या तो हमें प्रोडक्ट का नेम बताएं या सीरियल नंबर बताएं उस डिवाइस का जिसके लिए हमें ड्राइवर डाउनलोड करने हैं। तो यहाँ पे काफी लोगों का सवाल आएगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी प्रोडक्ट है कौन सी, उसका मॉडल नंबर क्या है, उसका सीरियल नंबर क्या है। आपने अगर कंप्यूटर के लिए ढूंढ रहे हैं तो आपने उसके फ्रंट पैनल पे देखना है या राइट लेफ्ट नीचे या ऊपर वाली साइड पर स्टिकर लगा होगा उसके ऊपर आपने इसका सीरियल नंबर देख लेना है कि कौन सा सीरियल नंबर है। आपको ये स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि यहाँ पर इस तरह आप अपने कंप्यूटर के अंदर से अपना सीरियल नंबर ढूंढ सकते हैं। अगर आप लैपटॉप की, लैपटॉप का भी सेम इसी तरह है कि अगर आप स्क्रीन के फ्रंट पैनल पे देखें तो ज़्यादातर वहाँ पे मेंशन होता है कि इसका मॉडल नंबर क्या है। जैसा कि ये जो लैपटॉप आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है इसका योगा 260 है और अगर हमने इसी लैपटॉप का सीरियल नंबर ढूंढना है तो अगर हम इसको उल्टाएंगे तो इसके नीचे वाली साइड पर जो स्टिकर लगा हुआ है उसके ऊपर इसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है, वो सीरियल नंबर के जरिए से हम इसके ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको इसके पहले मॉडल से मैं आपको इसी लैपटॉप के ड्राइवर डाउनलोड करके दिखाता हूँ। सिंपली जैसे हमने अभी देखा है कि हमारा जो लैपटॉप है वो थिंक पैड का है और योगा 260। ये देखें जैसे मैंने ये लिख के सर्च किया है तो हमारे सामने ये जो लैपटॉप है हमारा आ चुका है। ये देखें उसकी पिक्चर भी आ रही है और सेम वही योगा 260 लैपटॉप थिंक पैड जो हमने, मैंने आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा वही सेम लैपटॉप यहाँ पर हमारे सामने ओपन हो चुका है। उसके ड्राइवर डाउनलोड यहाँ से हम इजिली कर सकते हैं। जैसे ही मैं ड्राइवर वाले ऑप्शन पर जाऊँगा, फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है इस पर जैसे मैंने क्लिक किया है तो अब यहाँ पर मेरे सामने दो ऑप्शन दे रहा है ऑटोमेटिकली अपडेट, मतलब अगर मैं लैपटॉप ये सारा प्रोसेस जो कर रहा हूँ या अगर मैं उसी लैपटॉप के थ्रू कर रहा हूँ जिसके मुझे ड्राइवर चाहिए लिनेवो के, तो मैं अगर स्कैन नाउ पे क्लिक करूँगा तो खुद ही ये डिटेक्ट कर लेगा कि मेरे इस लैपटॉप के अंदर से या पीसी के अंदर से जो ड्राइवर मिसिंग है वो खुद ही डिटेक्ट करके खुद ही उसको इंस्टॉल कर देगा। अगर मैं मैनुअल सेलेक्ट करना चाहूँ कि मैं खुद, मुझे पता है कि इसके अंदर ये ड्राइवर मिसिंग है और मैं खुद डिटेक्ट करके डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहूँ तो वो ये मैनुअल अपडेट वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं। ये जो ऑटोमेटिकली अपडेट है इस पर 5 मिनट आपके लग सकते हैं, नीचे इन्होंने लिखा भी हुआ है कि ये जो टाइम है ये अपडेट करने में 5 मिनट ले सकता है। तो जो ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं वो स्कैन नाउ पे क्लिक कर दें, जो मैनुअली सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट ड्राइवर पे क्लिक कर दें। जैसे हमने सेलेक्ट ड्राइवर पे क्लिक किया है तो पहले आपने सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पर देखनी है वो आपके सामने ऑपरेटिंग सिस्टम वाला ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर जाके आपने सबसे पहले ना अपनी सेलेक्ट करना है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा, लिनक्स है लिनक्स पे कर देना है, विंडोज़ है तो अपनी विंडोज सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर विंडो XP तक आपके सामने विंडो XP भी है, विस्टा भी है, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10, विंडो 10, विंडो 11 तमाम आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर मेरी विंडो 11 है तो मैं विंडो 11 64 बिट पे क्लिक करूँगा। अगर समझ लो फॉर एग्जांपल मुझे ड्राइवर्स चाहिए अपने लिनेवो के लैपटॉप के लिए, उसके अंदर जो विंडो हुई है वो विंडोज 11 64 बिट है, लेकिन और मैं ड्राइवर जो है उसके डाउनलोड कर लेता हूँ वो 32 बिट के लिए कर लेता हूँ, विंडोज 11 32 बिट के, तो वो वर्क नहीं करेंगे। अगर मैं उस लैपटॉप के अंदर जाकर इसको इंस्टॉल भी करूँगा तो वर्क नहीं करेंगे। तो इसलिए आपने
फर्स्ट ये चेक कर लेना है कि जो विंडो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड है उसी के लिए आपने ये ड्राइवर्स डाउनलोड करने हैं। सेम विंडो होगी तो फिर ही आपके ड्राइवर्स वर्क करेंगे। रिलीज डेट को हमने कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे मैनुअल आल पे ही होगा, आपने आल पे रहने देना है। अब नीचे हमारे सामने ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपको ड्राइवर्स चाहिए किसके लिए हैं, तो आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको पता है कि आपको ब्लूटूथ के लिए चाहिए, ऑडियो के लिए चाहिए, कैमरा, फिंगरप्रिंट, ये जिसके लिए भी चाहिए आप वो यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे कीबोर्ड के लिए चाहिए, मेरा कीबोर्ड नहीं चल रहा लैपटॉप का, तो मैं कीबोर्ड वाले पे जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे सामने इसके जो ड्राइवर्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। ये देखें यहाँ पे लिख के आ रहा है 40 MB का ये ड्राइवर है, इसकी रिलीज वर्जन भी लिख के आ रहा है, इसकी रिलीज डेट भी लिख के आ रही है 23 अगस्त 2016। इसको मैं डाउनलोड करना चाहूँ तो सिंपली ये राइट साइड पे इसका डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड पे जैसे मैंने क्लिक किया है तो ये देखिए ऊपर वाली साइड पे डाउनलोड पे लग चुका है। तो इस तरह से आप भी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको एक दफा बैक आके एक और यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे पास शो हो रहे थे, मैं आपको वो भी चेक करवा देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मुझे अपने कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर से मुझे नहीं मिला कि मेरा कंप्यूटर का सीरियल नंबर क्या है, ये लैपटॉप का सीरियल नंबर क्या है, तो मैं फिर मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ कि मेरा लैपटॉप है कौन सा है। तो यहाँ पर जैसा कि हमारे पास नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है डिटेक्ट प्रोडक्ट का, तो मैंने आपको बताया अगर आप उसी लिए वो कंप्यूटर लैपटॉप या क्रोमबुक जो भी डिवाइस है उसी के लिए आप ड्राइवर ढूंढ रहे हैं और उसी के अंदर से प्रोसेस कर रहे हैं, तो आपने सिंपली डिटेक्ट प्रोडक्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ये क्लिक करेंगे खुद ही डिटेक्ट करेगा कि आपका प्रोडक्ट है कौन सा है, बेसिकली इसकी जो फैमिली कौन सी है और इसका मॉडल नंबर, इसका सीरियल नंबर खुद ही डिटेक्ट करके और खुद ही उसके ड्राइवर हमें यहाँ पर दे देगा। तो हम मैनुअल सेलेक्ट करना चाहें तो मैनुअल सेलेक्ट करने के लिए राइट साइड पे आप ब्राउज प्रोडक्ट का ऑप्शन, जैसे हम ब्राउज प्रोडक्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो हमसे पूछ रहा है कि आपकी डिवाइस है कौन सी है, लैपटॉप है तो या ऑल इन वन है, वर्क स्टेशन है, टेबलेट है, मॉनिटर है, एसेसरीज है, क्रोमबुक लैपटॉप्स हैं। यहाँ पे हमें तमाम ये अलग अलग सेक्शन शो हो रहे हैं, जोन से हम डिवाइस के लिए अपने ये ड्राइवर्स ढूंढ रहे हैं उस पर हमने क्लिक कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी लैपटॉप के लिए ढूंढ रहा हूँ तो मैं लैपटॉप वाले पे क्लिक करूंगा। अब यहां पर हमसे पूछ रहा है कि सिलेक्ट सीरीज और सिलेक्ट सब सीरीज, जैसे मैं सिलेक्ट सीरीज करूंगा तो आगे ये सिलेक्ट सब सीरीज भी पूछ रहा है। अब काफी लोगों का यहां पे सवाल आएगा कि हमने लैपटॉप की सीरीज कहां से ढूंढनी है और सब सीरीज कहां से ढूंढनी है, तो ये जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था कि जो लैपटॉप का फ्रंट पे पैनल होता है स्क्रीन वाला वहाँ पर ज़्यादातर मेंशन होता है या बैक साइड पे मेंशन होता है, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा जो मेरी लैपटॉप के ये जो लैपटॉप है मेरे पास ये जो है योगा सीरीज है, योगा थिंकपैड सीरीज है। तो जैसे मैं योगा लिखूंगा ये देखें आगे लिख के जैसे मैंने लिखा है योगा सीरीज लैपटॉप आइडियापैड आ रहा है, योगा सीरीज लैपटॉप थिंकपैड आ रहा है, तो मेरा जैसा कि थिंकपैड है तो मैं थिंकपैड वाले पे क्लिक करूंगा। इस तरह आपने भी अपने लैपटॉप के ऊपर से स्क्रीन के ऊपर से देख लेना है और उसकी सीरीज सेलेक्ट कर लेनी। सीरीज सेलेक्ट करने के बाद ये मेरे लेफ्ट साइड पर इसका मॉडल भी लिखा हुआ है तो वो मैं सिंपली जैसे लिखूंगा योगा 260। ये देखें ये लैपटॉप यहाँ पे मेरे सामने आ चुका है। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा ये देखें सेम मेरा वही जो लैपटॉप था वो यहाँ पर ओपन हो चुका है, योगा 260 लैपटॉप थिंकपैड। इस तरह से आप भी इजीली कंप्यूटर के ऊपर से भी देख सकते हैं, कंप्यूटर के ऊपर देखने का यही तरीकेकार है। आप फ्रंट पैनल पे देखेंगे आपके सामने लिख कर आ रहा होगा ये थिंक सेंटर है, थिंक पैड है, ये कौन सा है, और उसकी लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर ऊपर नीचे आपने अच्छी तरह नज़र घुमा लेनी है, जहाँ पर स्टिकर होगा वहाँ पर आपने इसका सीरियल नंबर भी मिल जाएगा, आपको प्रोडक्ट आई डी भी मिल जाएगी, मॉडल नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका सीरियल नंबर के जरिए से भी ढूंढ सकते हैं या फिर आप इसके मॉडल नंबर के अंदर से भी ढूंढ सकते हैं। और इन सबसे आसान जो तरीका मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर वो है डिटेक्ट नाउ का। आप डिटेक्ट भी कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है और आप डिटेक्ट भी कर सकते हैं कि आपके इस प्रोडक्ट के अंदर से ड्राइवर कौन से मिसिंग है। तो ये सबसे आसान तरीका है, अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप डिटेक्ट नाउ वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा मसला हल हो जाएगा, खुद ही वो डिटेक्ट करेगा आपके पीसी कौन सा है, खुद ही डिटेक्ट करेगा ड्राइवर कौन से मिसिंग है और उनको अपने आपके लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर देगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।